ओम शांति। आज की तारीख है 20/8/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा हमें सदैव ये बात रोज रोज बताते रहते हैं, शिक्षा के रूप में, धारणा के रूप में और हम बच्चों के कल्याण अर्थ कि जहाँ तक जीना है यह ज्ञानामृत पीना है और ये पढ़ाई हमें रोज पढ़नी है। तो आइए सुनते हैं फिर से आज मीठे मीठे बाप दादा पढ़ाई के विषय में हम बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे इस रूहानी पढ़ाई को कभी मिस नहीं करना। इस पढ़ाई से ही तुम्हें विश्व की बादशाही मिलेगी। प्रश्न है, कौन सा निश्चय पक्का हो तो पढ़ाई कभी भी मिस न करें? उत्तर है, अगर ये निश्चय हो कि हमें स्वयं भगवान टीचर के रूप में पढ़ा रहे, इस पढ़ाई से ही हमें विश्व की बादशाही का वर्षा मिलेगा और उससे हमको ऊंच स्टेटस भी मिलेगा, तो बाप हमें साथ में ले भी जाएंगे, तो पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करें। निश्चय न होने के कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं रहता और फिर पढ़ाई मिस कर देते हैं। गीत बजा है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, यही धरती पर तारे हैं। धारणा के लिए मुख्य सार के दो ज्ञान बिंदु। नंबर एक, एक बाप के ही फरमान पर चलना है, बाप से ही सुनना है। मनुष्यों की उल्टी बातें सुन उनके प्रभाव में नहीं आना है, उल्टा संग नहीं करना है। नंबर दो है, पढ़ाई और पढ़ाने वाले को सदा याद रखना है। सवेरे सवेरे क्लास में जरूर जाना है। वरदान सतगुरु बाबा का, साधनों को सहारा बनाने के बजाय निमित्त मात्र कार्य में लगाने वाले सदा साक्षी दृष्टा भव। जैसे कोई पार्ट प्ले करता है या हम अपने पार्ट को भी साक्षी होकर के देखें। कई बच्चे चलते चलते बीज को छोड़ टाल टालियों में आकर्षित हो जाते हैं। कोई आत्मा को आधार बना लेते और कोई साधनों को, क्योंकि बीज का रूप रंग शोभनिक नहीं होता और टाल टालियों का रूप बड़ा शोभनिक होता है। माया बुद्धि को ऐसा परिवर्तन कर देती है जो झूठा सहारा ही सच्चा अनुभव होता है। इसलिए अब साकार स्वरूप में बाप का साथ और साक्षी दृष्टा स्थिति का अनुभव बढ़ाओ, साधनों को सहारा नहीं बनाओ, उन्हें निमित्त मात्र कार्य में लगाओ। स्लोगन है, रूहानी शान में रहो तो अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। मीठे मीठे सिकी लगे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।